तो हेलो दोस्तों दोस्तों प्रभास सर की मोस्ट अवेटेड और एक इंडियन साईफाई और एक्शन मूवी रिलीज होने वाली है थिएटर में कल्कि 2898 के नाम से, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें प्रभास सर के साथ साथ दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दिशा पटानी जैसे और भी कई सारे स्टार कास्ट नजर आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नागाश्विन ने, जो कि एक बहुत बड़े बजट की मूवी है। पहले इसका बजट 400 करोड़ रुपए था, लेकिन अब इसका बजट बढ़ाकर 600 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, क्योंकि यार 400 करोड़ रुपए तो इसके प्रोडक्शन में खर्च हो गए। एनीवेज बात अगर ट्रेलर की करें तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर देख लिया है, तो कैसा है ट्रेलर आइए थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर में हमें दमदार एक्शन सीक्वेंस, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और जबरदस्त तरीके के CGI इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक डायस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है और इस डायस्टोपियन वर्ल्ड या फिर फ्यूचरिस्टिक सिटी को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो नो डाउट अच्छी लग रही थी। दोस्तों मेरे ख्याल से कहानी होगी एक छोटे से गांव काशी की, जो दुनिया का आखिरी गांव बचा हुआ है, जहां पर पीने के लिए पानी, पेड़ पौधे या फिर जीवन बचाने के लिए जो भी चीज़ें होती है ना वो वहां पर है ही नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें वहां त्रिभुज के ऊपर दिखाई दे रही थी। दोस्तों इस मूवी में महाभारत की भी थोड़ी बहुत कहानी देखने को मिलेगी आपको, जिसमें दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट है ना और उसका बच्चा है वो अश्वत्थामा है, और उस बच्चे को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए अपने अमिताभ सर, लेकिन किसी एक खास कारण से अपना भैरवा यानी कि प्रभास सर भी सब में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन क्यों और आगे कहानी में क्या होगा ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों इस ट्रेलर में सभी के सभी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही थी, स्पेशली अमिताभ सर की। भाई साहब क्या कमाल का काम किया है उन्होंने, वो भी इस उम्र में, मतलब उनके साथ के जो एक्टर थे ना वो अब रिटायरमेंट लेके अपने घर में इंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब उनको मानना पड़ेगा उनका डेडिकेशन और एनर्जी काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल रही थी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने YouTube पर कल्कि ट्रेलर रिव्यू सर्च करना, और उसमें जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना उन्होंने इस ट्रेलर को बहुत ही दमदार, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर देगी वगैरह वगैरह, इस सब का वो दावा कर रहे हैं। आई होप ये सच हो, क्योंकि यार एक मूवी को बनाने के लिए कितना टाइम, कितनी मेहनत और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है ये हम सबको पता ही है, लेकिन 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 दोस्तों एक ट्रेलर को देखकर हम मूवी कैसी होगी इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इससे पहले गणपत मूवी का ट्रेलर आया था ना तो भाई सारे यूट्यूबर उछल पड़े थे कि भाई वाह, डायस्टोपियन सिटी, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, गाड़िया, बिल्डिंगे वगैरह वगैरह, दमदार एक्शन, तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी ये वो, मतलब बहुत सारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मूवी कैसी निकली आप सबको पता ही है। उसके बाद सैम बहादुर मूवी आई, उसके बारे में भी यही सब बता रहे थे कि भाई वाह, थिएटर में तालियां सीटियां बजने वाली है वगैरह वगैरह, मतलब जमकर तारीफ की, लेकिन मूवी कैसी निकली वो आप सबको पता ही है। और उसके बाद कैप्टन मिलर मूवी का ट्रेलर आया, और उसके लिए भी हाइप बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, लेकिन दोस्तों वो मूवी कैसी निकली है बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम गिर गई है ये आप सबको पता ही है। तो माई पॉइंट इज कि ट्रेलर को देखकर मूवी के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन दोस्तों ये मूवी अच्छी निकल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि यार 600 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती है, लेकिन दोस्तों 600 करोड़ की जगह 700 करोड़ रुपए आदिपुरुष मूवी के ऊपर खर्च किए गए थे, लेकिन मूवी कैसी निकली आप सबको पता ही है। तो मेरे ख्याल से बजट अगर इतना बड़ा नहीं भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी कहानी में दम है ना तो भाई साहब आपकी मूवी 100% चलने वाली है, क्योंकि यार आप कोई भी मलयालम मूवी उठा के देख लो जिसका बजट 20-25 करोड़ के आसपास ही रहता है, लेकिन उनके कॉन्टेंट में दम रहता है भाई साहब। तो ऑल इन ऑल कल की मूवी का ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, आई होप मूवी भी अच्छी निकल जाए, जिससे प्रभास सर को थोड़ा बहुत बूस्टअप मिल जाएगा भाई साहब, क्योंकि यार प्रभास सर की पिछली 3-4 मूवी ऐसी आई है जो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास धमाल नहीं कर पाई है, जैसे साहू आई, फिर आदिपुरुष आई, उसके बाद अभी हाल ही में सलार मूवी आई है, तो आई होप ये मूवी हमारी उम्मीदों पर खरी उतर जाए, जो कि 27 जून को पैन इंडिया रिलीज हो रही है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिव्यू कल्कि के ट्रेलर के ऊपर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।